अल्लाह ताला दे के जो टेस्ट होता है ना, उससे रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शुक्र का. एग्जैक्टली. यानी व्हेन ही ट्रायल्स यू विद द टेस्ट ऑफ गिविंग स्वीट काइंड ऑफ नेचर, ही एक्सपेक्ट्स शुक्र फ्रॉम यू. एंड व्हेन ही टेक्स अवे समथिंग, ही एक्सपेक्ट्स सब्र फ्रॉम यू. और सब्र क्या है कि ना दिल में उस बात को बुरा जानना, यानी ये क्यों मेरे साथ ही ये सोचना भी, और ना जबान से बेसब्री के कलिमात अदा करना. इब्ने कय्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह. सो बात यह है कि हम ये जब कहें ना, जैसे यार सुभान अल्लाह, जो इमरान बिन हुसैन का वाक़िया है, असल जो है ना टेस्ट में आपने रिएक्ट किस तरह से करना है वो मुझे लंबा वाक़िया मैं ब्रीफ करता हूँ. ही वॉज ऑन हिज बेड फॉर मोर देन 30 ईयर्स ब्रो, और सहाबी जलील है. वो जो अहदीस है ना कि अगर तुम नमाज खड़े के नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो, वो इन्हीं से है. और क्योंकि इन पे अप्लाई भी करते थे, इवन पीपल हैड टू डिग अ होल इन हिज बेड कि अपने आप को रिलीव करें वो. ठीक है. और ताबीन आए और कुछ लोग आए उनको सॉरी फील या उनकी आदत के लिए, तो उन्होंने कहा कि यू नो जस्ट डोंट प्ले विद माई हेड, ये ना मेरी डोंट फील सॉरी फॉर मी, क्योंकि इस मुसीबत पर सब्र करने का जो रिवॉर्ड मुझे मिला है ना वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता. कि फरिश्ते मेरे पास आते हैं, अब उनकी मुसीबत ही बड़ी तो फिर अल्लाह ताला उनको सपोर्ट भी करता था, मुझे सलाम कहते हैं, मैं उनके सलाम का जवाब देता हूँ, और जो मुझे खैर मिली है इस सब इसकी वजह से मैं तुम्हें बता नहीं सकता. नाउ दिस स्टेटमेंट दैट ही सेज ना, ये मैं बताना चाह रहा था, ही सेज व्हाट इज प्लीजिंग टू अल्लाह इज प्लीजिंग टू मी, व्हाट इज डियर टू अल्लाह इज डियर टू मी. यानी यार हम जब कोई भी मसला मुसीबत है ना, आपका हस्बैंड छोड़ के चला गया, आपकी औलाद की डेथ हो गई, आपकी तलाक हो गई, आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, आप अभी लाइफ के लोज में हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, आप उस टाइम ये सोचें क्या अल्लाह ताला को पता है जो भी हो रहा है ना, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उस पर बस राजी हो जाएंगे, यार अब तुझे पता है तेरे प्लान में है, मैं खुश हूँ. इसमें आसान राजी होना आसान तब होता है जब बंदे को पता होना कि अल्लाह ताला मेरे से बहुत ज़्यादा इल्म है, अल्लाह ताला सब जानते हैं, अल्लाह ताला नोज मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, एंड अल्लाह ताला देयरफॉर नोज कि मेरे लिए क्या बेहतर है. yes. तो ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये अल्लाह का फैसला है. अल्लाह ताला ने चूज़ किया कि मैं इस सिचुएशन में आऊँ और मेरे साथ ये हो. सो ये अल्लाह की मर्ज़ी है. तो आप अल्लाह की मर्ज़ी जब राज़ी होना शुरू होते हैं ना, तो यू रियलाइज कि यार इसमें इंशाल्लाह कोई ना कोई खैर होगी, नहीं होगी तो कोई ना कोई दर्जात बुलंद हो रहे होंगे. पता ना कि इसमें कि अल्लाह ताला के कुछ नेक लोग होते हैं जी. उनकी ना अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करना चाह रहे होते हैं, उनकी नेकियों से ना नहीं जब पूरे नहीं हो पा रहे होते, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर थोड़ी मुश्किलें भेजते हैं. जब वो टेस्ट भेजते हैं उस पर जब वो सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात जन्नत में बुलंद करते हैं. यार अभी जो आपने बात की है ना, बिल्कुल के मुश्किलात आए और बंदा उस पर शुक्र अदा करे. अब गज़ाली रहमतुल्लाह ही सेज के सबर और शुक्र के ना बड़े डिफरेंट उन्होंने जो है ना, एक आप ये कह लें कि उसकी उसको डिफ़ाइन किया है. कहते हैं कि जो एक मोमिन होता है ना, वो जब उसके ऊपर अच्छाई आती है ना, तो वो उस पर सबर करता है. सबर क्यों करता है कि वो सबर इसलिए कर रहा होता है कि अभी मुझे जो भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं ना, मुझे जन्नत में इससे ज़्यादा मिलेंगी, तो वो उनको सोचते हुए उन पर सबर करता है. ब्यूटीफुल, मेरे बात समझ रहे हैं. और अगर उस पर कोई परेशानी आ जाती है, मुसीबतें आ जाती हैं, तकालीफ आ जाती हैं, उस पर वो शुक्र करता है. यू नो व्हाई? वल्लाह इज़ वेरी प्रोफाउंड, क्योंकि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि इट वुड हैव बीन वर्स. एक्सीडेंट हो गया है, मेरी फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी चोट आ गई है, बंदे की जान भी जा सकती थी, आपको कोई और बड़ा नुकसान भी हो सकता था. तो ये ना एक बड़ा जबरदस्त बैलेंस जो है, अपने आप से नीचे वाले को देखना या अपने से ना, यानी वर्स्ट इमेजिन करना, यानी उससे बुरा भी हो. यार मुझे कौन बता रहा था अभी कि सुभान अल्लाह, किसी ने वाकया बताया मुझे अभी रिसेंटली कि एक शख्स आए तो एक बच्चे को पैसे दिए, शताब बता रहे थे कि वो बच्चा जब आया ना, तो उसे 150 रुपीज का चेंज, मैं जैसे चीज़ परचेज की तो 150 का चेंज था उसके पास. तो वो आते थे ना 100 रुपीज़ गिर गए, तो वो जब आया और दिया उन्होंने वापस, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपीज़ मुझसे गिर गए. अच्छा, तो उन्होंने कहा 50 तो नहीं गिरे? उन्होंने कहा नहीं 50 हैं. क्या तो जस्ट मजा अगर पूरे के पूरे 150 गिर जाते फिर. Exactly. तो यानी लुकिंग एट द यू नो सिल्वर लाइनिंग ऑफ द क्लाउड. दूसरा ये कि जो ये जो हम देखते हैं ना कि अपने से मुश्किलात में, चीज़ों में, दुनिया के मामलात में अपने से नीचे देखें. बिल्कुल. अच्छा, क्योंकि ना जो मुझे लगता है जहाँ भी आप है ना, आपसे वर्स्ट कंडीशन में कोई ना कोई होता लाजमी होता है, और अगर करंटली नहीं तो पास में कोई ना कोई हुआ होता. बिल्कुल. एंड यू नो सुभान अल्लाह, ये जो वाकयात होते हैं ना, ये सहाबा के पढ़ के, अम्बिया के पढ़ के, इवन मैं कहता हूँ अपनी नॉर्मल जिंदगी में, आप आगे पीछे देखें. अभी वो हमने जो एक भाई थे यूथ क्लब में, जो अहमद, उनका एक्सीडेंट हुआ था, मतलब यार दैट वाज सच अ
इनफैक्ट मेरी आज उनसे मुलाकात हुई तो वो चीज ओपनिंग थिंग के मतलब इतने वर्स्ट सिचुएशन में चले गए थे चले जाते हैं एक्सीडेंट हुआ था वो हेड इंजरी भी हुई थी उनकी अच्छा अच्छा ठीक है और सुभान अल्लाह मैं आपको बताऊं एक एक वाकया था जो कि ना मेरे ज़हन से निकलती है वेरी ओल्ड वन और ये मेरी सिस्टर ने बल्कि मुझे शायद बताया था एक एयरफोर्स की फैमिली थी और जिस तरह इनका एक्सकर्जन ट्रिप्स होते हैं या कुछ छुट्टियाँ थी तो वो फैमिली ट्रेवल करती थी नॉर्थ जी मरी वाली साइड पे या किसी एक साइड पे कहते हैं वो जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे बैठे हुए तीन थे या चार थे बच्चे पीछे बैठे हुए और वो एक जगह गाड़ी रोकते हैं तो साइड पर खोखे से ना जैसे कुछ लेने जाते हैं बंदा कि यार कुछ पानी शानी या कोई चिप्स वगैरह कहते हैं वो गए उस तरफ और गाड़ी के अल्लाह आलम या किसी बच्चे ने हैंडब्रेक नीचे किया अच्छा हिली एरिया था हिली एरिया में थोड़ी स्लो पे खड़े और अल्लाह कहते हैं कि वो रोड के क्रॉस गए वहाँ ठहरे थे एकदम से उन्होंने देखा गाड़ी पीछे आ रही है और लोगों ने शोर के एंड ही रैन टुवर्ड्स द कार पूरी फैमिली बंदर अल्लाह जाने वाइफ किसी से सिचुएशन हैंडल नहीं हुई और पीछे दिखाई और गिरी गाड़ी में और गाड़ी कहते हैं जाके जिस तरह जाके लगी है ना कहीं तो उनकी एक छोटी बच्ची थी बिल्कुल छोटी वो अल्लाह ताला ने सम हाउ जैसा था गाड़ी से बाहर आ गई खिड़की से जो भी खुला था बाहर आके शी फेल ऑन अ प्लेन लैंड किसी जगह पे आके एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली पास्ड अवे वाइफ और शायद दो या तीन बच्चे सो द गाय और उनकी छोटी बेटी देम टू सर्वाइव